हे गाइस, आज हम एनिमेट सीसी के अंदर फ्लैग एनिमेशन देखेंगे। तो मैं एक्शन सी 3.0 सेलेक्ट कर लेता हूं और यहां से शो फ्रेम्स, ये मैं फ्लैग के लिए ड्रॉ कर लेता हूं। उसके बाद फर्स्ट लेके आप लोगों को यहां पे पॉइंट क्रिएट करनी है अल्टो रख के, ये ऐसे यहां पे भी ऊपर की तरफ भी अल्टो रख के आप लोगों को ऐसे पॉइंट क्रिएट करना है। देन अल्ट छोड़ के आप लोगों को ये ऐसे कर्व को ऊपर की तरफ ये ऐसे मेंटेन करना है। देन ये जो पॉइंट है उसको मर्ज करने के लिए आप लोगों को ऐसे मूव करना है। अगर नहीं हो रहा है तो ये आपका जो ऑप्शन है वो ऑन कर दो, स्नैप टू ऑब्जेक्ट, उसके बाद आप लोग ऐसे मर्ज कर पाओगे उस पॉइंट को। अभी इसको प्रॉपरली मेंटेन कर लेते हैं। ये मेंटेन हो गया, इस तरफ ज़्यादा ही हो रहा है तो ये ऐसे कहो। अभी आप लोगों को जाना है यहाँ पे, हम लोग क्या कर देते हैं इसकी जो आउटलाइन है वो डिलीट कर देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे जाने के बाद इंसर्ट की फ्रेम, बीच में जाके क्रिएट शेप ट्विन, फर्स्ट टूल पे जाके, फर्स्ट की फ्रेम पे जाके कंट्रोल शिफ्ट एच कर देना है। ये आप लोगों को पॉइंट मिल जाएगा, ये है मॉडिफाई शेप में, यहाँ पे ऐड शेप इन करके मिल जाएगा। सो ये पॉइंट क्रिएट हो जाएंगे, इन पॉइंट्स को आप लोगों को ऐसे ए बी सी डी करके हर एक कॉर्नर में रख देना है। उसके बाद ई और एफ, ई मैंने बना दिया यहाँ पे रख दिया और एफ को यहाँ पे रख दिया। सो ए बी सी डी कॉर्नर में रख के ई और एफ यहाँ पे बीच में रख देने हैं। 40 पे जाके मैं जो एफ है वो यहाँ पे रख देता हूँ, देन ई यहाँ पे। सिर्फ ई और एफ की पोजीशन आप लोगों को चेंज करनी है, लेकिन बाकी जो सारे थे इसकी डी यहाँ पे, सी यहाँ पे, बी यहाँ पे और ए यहाँ पे। तो यार ये आप लोग देख सकते हैं ये ऐसे एनिमेट हो पा रहा है। ठीक है, एक बार कंट्रोल एंटर करके देखेंगे तो ऐसे लुक में ये चलता रहेगा। ये किस वजह से हो रहा है या फिर कैसे हो रहा है, तो ये यहाँ पे जो पॉइंट्स क्रिएट किए थे उन वजह से हो रहा है। तो ये अभी यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, तो आप लोग एक बार क्या कर सकते हो, कंट्रोल शिफ्ट एच करके ये पॉइंट जनरेट कर सकते हो और राइट क्लिक करके यहाँ से आप रिमूव भी कर सकते हो, तो आप लोगों को ये सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो फर्स्ट पे और 40 पे मैंने सिर्फ क्या किया है, फर्स्ट पे ई और एफ को यहाँ पे रख दिया है और ये जो 40 पे ई और एफ को आगे की तरफ लेके ऐसा एनिमेट कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद वापस नया लेयर लेके और एक शेप में बनाता हूँ जो कि ये थोड़ा बड़ा रहेगा, लेकिन इसकी आउटलाइन हमें निकालनी है। ये आउटलाइन यहाँ से निकाल देता हूँ और इस तरीके से यहाँ पे बनाता हूँ। चलिए इसको लॉक कर देते हैं और आउटलाइन मोड पे भी रख देंगे। बाद में इसे भी हमें अल्ट रख के ऐसे पॉइंट निकालने, ये बस हो गए। इसको ये भी ऐसे ही कर्व करना है, सेम प्रोसेस। और ये ऐसे इनको भी मर्ज करने के लिए ऐसे आगे की तरफ और इसको अंदर की तरफ इसको ऐसे मैनेज कर लो। स्नैप टू ऑब्जेक्ट आप लोगों का ऑन रहना चाहिए, तभी जाके ये काम करेगा। इतना होने के बाद वापस से यहाँ पे राइट क्लिक करके इंसर्ट की फ्रेम, राइट क्लिक करके ऐड शेप हिंट, सॉरी क्रिएट शेप ट्विन, ये ऑन कर देते, इसको चाहिए तो ऑफ कर देते थोड़ी देर के लिए ताकि समझ में आए। फर्स्ट की फ्रेम के ऊपर जाने के बाद कंट्रोल शिफ्ट एच करना है, ए को यहाँ पे रख देता हूँ, बी को यहाँ पे। आप किसी भी कॉर्नर से स्टार्ट कर सकते हो, ऐसे जरूरी नहीं कि नीचे से स्टार्ट करें ऊपर से स्टार्ट करें, लेकिन ये कॉर्नर्स पहले आप लोगों को ऐसे मैच करवा के लेना है। वापस से ई एक एक्स्ट्रा बना देता हूँ और यहाँ पे देख लेना ए यहाँ से शुरू हो चुका है, तो वैसे ही यहाँ पे आप लोगों को रखना है। ई को आप लोगों को यहाँ पे रख देना है, ये डी यहाँ पे था, सॉरी डी
वहाँ पे नहीं था, डी नीचे था। सो डी नीचे था, सी मतलब यहाँ पे होगा और बी यहाँ पे, ए ऊपर की तरफ। अभी आप लोग देख सकते हो ये ऐसे एनिमेट हो रहा है। अभी इससे क्या होगा, ये हम मास्किंग का लेयर यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं राइट क्लिक करके मास्क कर देता हूँ, तभी ये कैसे शो होगा देख लो, ये ऐसे शो होगा और भी अच्छे तरीके से एनिमेट हो पाएगा। ओके, और भी अच्छी तरह से शो हो रहा है ये। वापस से नया लेयर एक, और यहाँ पे और चाहिए तो इस तरीके का हम क्या कर सकते हैं, पीछे की तरफ बना सकते हैं। ठीक है, कंट्रोल एंटर। इसको भी चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं, एक सिंबल के अंदर डाल सकते हैं। तो इंसर्ट न्यू सिंबल कर देना, हो जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही, बाय।